मध्य प्रदेश कांग्रेस सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों की पहली बैठक कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रकाश जैन, महामंत्री और प्रकोष्ठों के प्रभारी जेपी धनोपिया, मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता, महामंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान और विधायक कुणाल चौधरी, सेवा दल के पूर्व मुख्य संगठन योगेश यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पुनीत टंडन ने बैठक में संगठन में जिला और ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों का मनोनयन और कांग्रेस की सदस्यता अभियान घर चलो घर घर चलो अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा की। साथ ही जिला और ब्लॉक स्तर पर RTI लगाकर जानकारी उपलब्ध कराकर शासन की योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया जाए, इस पर चर्चा की गई। मैं सर्वप्रथम तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रकोष्ठों को इस प्रदेश के अंदर पुनः से गठन करके जो जिंदा किया है, और माननीय हमारे JP धनोपिया जी प्रभारी जी द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी प्रकोष्ठ हैं सबको कार्य करने के लिए आगे आदेशित किया गया है। सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ में जो नियुक्तियाँ की गई हैं जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर, उस पर आज चर्चा थी। कुछ नियुक्तियों के लेटर जो हम दिए नहीं थे, आज हमारे जिला अध्यक्ष आए, उनको हमने नियुक्ति पत्र माननीय प्रभारी जी से दिलवाए हुए हैं। और जो आज की मीटिंग का एजेंडा है उसमें यह है कि भ्रष्टाचार को लेकर के जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो RTI से निकलते हैं, उस पर सरकार के लिए ग्राम लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। प्रचार प्रसार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, क्योंकि इस सरकार के अंदर जगह जगह पर हर गली गली में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कि एक सूचना के अधिकार के माध्यम से हम इसको उजागर करेंगे। हमारे जो जिले के अध्यक्ष हैं उनकी कमेटियां बनेंगी, ब्लॉक की कमेटियां बनेंगी, और 23 में, क्योंकि जब भ्रष्टाचार उजागर होगा तो स्वाभाविक है सरकारों की पोल खुलेगी, जनता के सामने चीज़ें आएंगी और पुनः मध्य प्रदेश के अंदर एक बार कांग्रेस की सरकार जनता चुनकर बनाएगी। लगभग हमारे 40 जिला अध्यक्ष प्रदेश पदाधिकारी यहाँ पर आज उपस्थित हुए, और सबके लिए जो हम लोगों ने वो दिया, एजेंडा दिया हुआ है, क्योंकि हम एक ट्रेनिंग कैंप भी चलाएंगे ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रेनिंग कैंप कराएंगे हर ज़िले में, क्योंकि उसकी तैयारी होगी। सदस्यता अभियान को लेकर के हमारा उसके अंदर एजेंडा है कि अब ये सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चालू हो जाएगा 1 तारीख से, और इसके बाद हमारे प्रदेश के दौरे होंगे और हर ज़िले में ट्रेनिंग कैंप होगा। ट्रेनिंग कैंप के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यमों से जो मुद्दे हैं उनको उठाए जाएंगे हर जिले से, ब्लॉक लेवल से, प्रदेश लेवल से। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।